सो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज से इस चैनल की जो थीम होगी वो होगी साइंस थीम। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप लोग लीव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं गाइस। लर्निंग की है यार, मैनू नहीं आता। मेरे वास्ते लाइटनिंग वो मिस्टीरियस पावर है जिसका इस्तेमाल जूस करते हैं, ऑफ कोर्स हेडिस के लिए, और किसके लिए कर सकता है वो? सिद्ध करते हैं जेडाई से रिवेंज लेने के लिए, और हमारे फेवरेट इंदिरा जी करते हैं राक्षसों के खिलाफ। काश यार मेरे को ये पावर होती, कसम नाल मजा आया नहीं। ओह असी थे देख नहीं आए, साइंस की गंदी है उदास यार। इसके लिए तो मुझे विकिपीडिया खोलना पड़ेगा। लाइटनिंग की स्टडी में जो सबसे पहला नाम आता है उनमें से एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तुम लोगों को क्या लगता है जब एक साइंटिस्ट फ्री हो और मौसम खराब हो तो वो क्या करता है? वो एक कार्ड लेगा, उसके साथ एक चाबी को बांधेगा, उसे उड़ाएगा और ये प्रूव करके दिखाएगा कि लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिसिटी है। पर वो ये नहीं बताएगा कि ऐसा करना डेंजरस है। फिर क्या, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने वाले दूसरे साइंटिस्ट दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। चलो एक मिनट, इंडिया वापस आने हैं, जहां पर हम ये तो बोलते हैं चाइनीस मान जा, पंजाबी बिच गट्टू को जूस नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों को ये कौन बताएगा कि खराब मौसम में काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए? आई मीन ज्यादा से ज्यादा क्या 300 किलो वाट का डिस्चार्ज उनमें से पास होगा और उसके बाद बहुत हो गए। तेरा मेन टॉपिक तो वापस आया। अबे विकिपीडिया काम कर गया तू? ओके अच्छा ठीक है। हाँ, की शुरुआत होती है बादलों में नीचे की तरफ वाटर पेपर्स होते हैं और ऊपर की तरफ हवा चल रही होती है, और जे हवा अपने साथ वाटर पेपर्स को ऊपर की तरफ लेके जाती है और बादल में ऊपर की तरफ कहानी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर शून्य से कम होता है, इसलिए वहां के वाटर पेपर्स आइस क्रिस्टल में बदल चुके थे और वहां पे चलने वाली हवा के कारण ये आइस क्रिस्टल्स आपस में टकराते रहते हैं, जिस कारण इनका साइज बहुत बढ़ जाता है। और फिर इन पे काम करना शुरू करती है हमारी फेवरेट ग्रेविटी। ग्रेविटी आइस क्रिस्टल्स को नीचे की तरफ लाती है और फिर जो ऊपर की तरफ जा रहे वाटर पेपर के साथ टकराते हैं, जिस कारण होता है इनमें चार्ज एक्सचेंज, और बादल का ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाला हो जाता है नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल दे दे, जैसे अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रगड़े तो ग्लास रोड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि बादल का नीचे वाला ऐसा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अर्थ की सरफेस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर बादल से अर्थ की सरफेस की तरफ स्टेप लैदर्स बढ़ते हैं, और जहां पे ये स्टेप लैदर्स अर्थ की सरफेस में मौजूद किस चीज को टच करते हैं वहीं पे मेरे ते सब कुछ सर तो ऊपर जा रहा है यार। लाइटनिंग का टेम्परेचर 30,000 डिग्री केल्विन तक पहुंच सकता है, जो कि 5 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जे अपने आसपास मौजूद हवा को प्लाज्मा में बदल देता है। वो क्या है, जे जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे वीडियो हम कभी और बनाएंगे। सुन बे न्यूटन, बहुत हो गया तेरा, निकल बाहर। जैसे दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, लालची, घमंडी, प्रीशियस आइस, वैसे ही अलग अलग किस्म की लाइटनिंग होती है। वो अपना पप्पू बंद कर, दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग होते हैं, एक आदमी ते दूसरी। जब लाइटनिंग क्लाउड के एक हिस्से से क्लाउड के दूसरे हिस्से पे गिरती है तो उसे इंटर क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। जब लाइटनिंग एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे गिरती है तो उसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। जब लाइटनिंग क्लाउड से अर्थ की सरफेस पे गिरती है तो उसे क्लाउड टू सरफेस लाइटनिंग कहते हैं। इसमें भी दो किस्म की लाइटनिंग आ जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो लाइटनिंग बादल के नेगेटिव वाले हिस्से से अर्थ की सरफेस पे गिरे उसे नेगेटिव लाइटनिंग, और जो लाइटनिंग बादल के पॉजिटिव वाले हिस्से से अर्थ की सरफेस पे गिरे उसे पॉजिटिव लाइटनिंग कहते हैं। और जहां पे ये बात देखने वाली कि पॉजिटिव लाइटनिंग नेगेटिव लाइटनिंग से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। जो लाइटनिंग अर्थ पे ना होकर किसी भी और प्लैनेट जुपिटर सैटर्न पे हो उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइटनिंग बोल देते हैं। बेसिकली वहां पे भी बादल होता है, इसलिए वहां पे भी लाइटनिंग होती है। जब बोलकर में इरप्शन होता है तो उसमें से धूल के कण निकलते हैं, वो भी आपस में टकराते हैं, जिस कारण स्टैटिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है और लाइटनिंग होती है। तो इसे बोल कहने की लाइटनिंग बोल देते हैं यार, और क्या बोलेंगे।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਮਾਰੇ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। I have you now.